अस्सलाम वालेकुम, आई एम जवेरिया तारे और आज के टॉपिक हमारा जो है वो होलसेल पर है। इस वीडियो में हम होलसेल पे बात करेंगे कि होलसेल, व्हाट इज होलसेल बेसिकली एंड हाउ डज इट वर्क। ठीक है, तो होलसेल जो कि नाम से ही जाहिर है कि हम इसमें क्या कर रहे होंगे। होलसेल में हम बल्क क्वांटिटी में चीजें उठाते हैं ब्रांड से, डिस्ट्रीब्यूटर से, और फिर उसको हम आगे सेल करते हैं। ठीक है, अब इसमें होता ये है कि हम जो अमेजोन पे जो लिस्टिंग्स होती हैं, जो ऑलरेडी ब्रांड्स बिल्ड हुए हुए होते हैं, हम उनकी लिस्टिंग्स को मीटू करते हैं और फिर हम उनके ऑथराइज्ड सेल और डिस्ट्रीब्यूटर से, होलसेलर से जो है परचेज करके उसको आगे सेल कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है होलसेल में दो चीजें होती हैं, एक होता है FBA और एक होता है FBM। FBA मीन्स फुलफिल बाय अमेजोन और FBM फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। तो इसमें यही हो रहा होता है कि इसमें FBA में पिक पैक एंड शिप की जो सारी जिम्मेदारी होती है वो अमेजोन की होती है। ये हैजल फ्री है, हमें इसमें कोई काम नहीं करना पड़ता, बस हमारी इन्वेंट्री वंस जो है वो वेयर हाउस में पहुंच गई तो आगे का सारा काम फिर वो अमेजोन को होता है। जबकि FBM में जो है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, यानी इसमें सारी जो पिक पैक एंड शिप और सारी जितनी भी मैनेजमेंट होती है वो सब आपने खुद देखनी होती है। नेक्स्ट है प्राइवेट लेबल, प्राइवेट लेबल वर्सेस होलसेल। अब इसमें जो है दो चीजें हैं। प्राइवेट लेबल में क्या होता है कि आपका जो ब्रांड है वो आपका एसेट होता है, यानी आप उसमें ब्रांड बिल्डिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, जबकि होलसेल में आप ऑलरेडी जो ब्रांड बिल्ड है, जो इसकी रेपुटेशन अच्छी है, आप जानते हैं भाई इसकी जो है सेल्स अच्छी है, ये अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, तो उसको आप आगे सेल कर रहे होते हैं। ठीक है, इसमें प्राइवेट लेबल में हमारा एसेट जो है हमारा अपनी लिस्टिंग होती है, जबकि जो हमारा होलसेल में जो हमारे एसेट होता है वो क्या होता है, वो ब्रांड्स हैं, वो होलसेलर्स हैं। ठीक है, वो हमारा एसेट होता है। इसमें ये होता है कि बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप अपने ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से और होलसेलर से उन्हीं से आप परचेज कर लें, वरना फिर अगर आपने उनसे परचेज नहीं किया तो फिर आगे जाके इसमें प्रॉब्लम्स आती है, अमेजोन इनवॉइसेस मांगता है और फिर वो रिजेक्ट हो रही होती है अगर आपने ऑथराइज्ड होलसेलर से परचेजिंग नहीं की है। अच्छा, हम होलसेल ही क्यों रेकमेंड करते हैं? इसको बहुत सारी इसकी जो है बेनिफिट्स होते हैं होलसेल के, वो क्या क्या होते हैं कि इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो कम लग रही होती है। पीएल में क्या होता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लग रही होती है, आपको रैंकिंग में आपका बजट लग जाता है। ठीक है, और इसमें रिस्क फैक्टर्स ज्यादा हो जाते हैं। फिर दूसरा ये कि सोशल मीडिया अपेयरेंस और ये सारी चीजें पीएल में इन्वॉल्व होती हैं, जबकि होलसेल में जो है ये एक सबसे सेफेस्ट मॉडल जो है वो कंसिडर किया जाता है, जिसमें आपका रैंकिंग का खर्चा बच जाता है एक तो, और ये मिनिमम जो है 5,000 या 6,000 के बजट में इजीली स्टार्ट किया जा सकता है। जो भी अगर आपके पास क्लाइंट आता है, जरूरी नहीं आप उसको पीएल का ही मशवरा दें, आप उसको कहें कि आप पीएल करें, आप उसको जो है होलसेल की तरफ भी जो है ला सकती हैं कम बजट में, क्योंकि ये स्टार्ट हो जाता है। ठीक, उसके बाद जो है हमारा आ जाता है प्रोडक्ट रिसर्च। अच्छा, प्रोडक्ट रिसर्च में क्या होता है कि ये जो है क्राइटेरिया होता है, जरूरी नहीं है कि आप कोई एक ही क्राइटेरिया फॉलो करें प्रोडक्ट रिसर्च का, ये डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं, आप चेंज कर करके उसमें जो है प्रोडक्ट्स नई से नई निकालते चले जाएं और फिर आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स की इसमें से बहुत सारी एक आपकी एक शीट मेंटेन हो सकती है। ठीक है, अच्छा इसमें जो हम जरूरी चीजें हैं वो देख लेते हैं। अमेजोन जो है वो आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए, सेल्स जो है आप 300 से ज्यादा देखें, यानी 300 से जिनकी ज्यादा सेल्स हो रही हो उनको हम कंसिडर करते हैं, और प्राइस कंसिस्टेंट होनी चाहिए, प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए इसमें, और बाय बॉक्स जो है उसकी रोटेशन को हम लाजमी देख रहे होते हैं कि बाय बॉक्स रोटेशन हो रही हो, ऐसा तो नहीं है कि बाय बॉक्स जो है वो कोई अमेजोन ही लेके जा रहा है अगर उस बैठा हुआ है, और जो है या फिर ब्रांड खुद बैठा हुआ है तो भी हम अवॉइड करते हैं, और बाय बॉक्स जो है वो सब सेलर्स के पास रोटेट होना चाहिए। प्रॉफिट मार्जिन जो है 15% से ज्यादा हो, प्राइस शुड बी बिटवीन 12 to 60। 12 to 60 इसलिए हम रख रहे होते हैं कि देखें जो 12 से कम होते हैं उसमें यूजुअली हमें प्रॉफिट नहीं आ रहा होता, क्योंकि जो है अमेजोन अपनी दूसरी फीसेस जो है वो जब चार्ज करता है तो इन दी एंड हमें प्रॉफिट नहीं बचता। ठीक है, और 60 मैंने इसलिए हम लोग कहते हैं कि इससे ज्यादा ना हो, क्योंकि फिर उसमें बाद में ये इश्यूज आते हैं कि अगर रिटर्न आ गया या कोई और इशू हो गया तो फिर हमें थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम हो जाती है आगे जाके ज्यादा अगर हम उसकी प्राइस रखें। ठीक है, BSR जो है वो वेरी करता है डिफरेंट फ्रॉम कैटेगरी टू कैटेगरी के, अगर पेट की है तो डिफरेंट BSR होगा, किचन होम एंड किचन की है तो उसका BSR डिफरेंट होगा, और बाकी है कि रेटिंग्स तकरीबन 4.3 मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, और रिव्यू काउंट भी आप देख लें, 50 कम से कम 50 रिव्यूज तो हों।
ठीक है, उसके बाद ये है कि हाउ टू कॉन्टेक्ट कंपनी टू बाय होलसेल। आपने कंपनी से किस तरह से कॉन्टेक्ट करना है, होलसेलर से, डिस्ट्रीब्यूटर से आपने कॉन्टेक्ट किस तरह से करना है, ये मैं इसमें बताऊंगी आपको। अच्छा, उनको आप ज्यादातर हम लोग ईमेल्स कर रहे होते हैं, ठीक है। बेस्ट जो वर्क करता है वो ये है कि आप कॉल करें, लेकिन उसके लिए ये कि आपकी इंग्लिश का अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर आप इंग्लिश में प्रोफिशन नहीं है तो प्लीज फिर आप कॉल्स को अवॉइड करें, आप ईमेल्स के थ्रू ही जो है अपना काम करें। और ईमेल्स आपने बहुत ज्यादा बड़ी नहीं करनी, क्योंकि ब्रांड्स के पास यूजुअली इतना टाइम नहीं होता, वो आपकी इतनी लंबी लंबी ईमेल्स पढ़ें। आप अपनी ईमेल्स को शॉर्ट और कंसाइज रखें, ठीक है। फिर आप उसमें टू दी पॉइंट बात करें, आप कोई लंबी चौड़ी कहानी उसमें ना लिखें, ठीक है। और बहुत कंफर्टेबल होकर बात करें, आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और के ब्रांड्स का रिप्लाई आ गया तो अच्छा, आप उनको क्या जवाब दें, आप बिल्कुल सुकून से, इतमान से, कंफर्टेबल होकर आप उनसे बात करें, ठीक है। अच्छा, उसमें फिर ये होता है कि हम क्या करते हैं, अब फिर वो आपसे मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी वगैरह पूछते हैं जब आप ऑर्डर करने लगते हैं। तो वंस आपने ब्रांड्स निकाल लिए, होलसेलर्स निकाल लिए, ठीक है, आपके पास प्रोडक्ट्स आ गई, अब आप कोशिश ये करेंगे कि आप जो है वो कम से कम यूनिट्स ऑर्डर करें, ठीक है। आपने 3 to 4 अपनी निकाल लिए, उसके बाद आप उसके 30 यूनिट्स ऑर्डर कर लें, उनसे हम स्टार्ट करेंगे। फिर हम उसमें देखेंगे कि हमारे लिए कौन सी प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा बेहतर वर्क कर रही है, यानी जिसकी सेल्स हमें बहुत ज्यादा अच्छी आ रही है, या जिसपे हमें जो है रेवेन्यू बहुत ज्यादा अच्छा जनरेट हो रहा है, तो फिर हम उस प्रोडक्ट को जो है वो आगे लेके जाते हैं, उस प्रोडक्ट पे हम काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाता है व्हाट वी नीड बिफोर कॉन्टेक्टिंग सप्लायर्स, हमें क्या क्या चीजों की जरूरत होती है जब हम सप्लायर्स को कॉन्टेक्ट करें, हमें पास क्या होना चाहिए। अगर आप यूके में काम कर रहे हैं तो आपको आपका LTD होना जरूरी है, अगर USA में तो LLC और बिजनेस बैंक अकाउंट कंपनी के नेम पे, वेबसाइट वो भी कंपनी के नेम पे, बिजनेस ईमेल, आप डोमेन बाय कर लें सेम, देखें इनसे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, अगर ये सारी चीजें होंगी। और EIN और टैक्स नंबर होता है फॉर USA, और UK के लिए हम VAT वहाँ पे चलता है, और रीसेलर सर्टिफिकेट। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी आज की वीडियो में, और आई होप कि आपको समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आया तो बिल्कुल आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो हमारी आने वाली अगली वीडियोज़ में हम आपको प्रोडक्ट हंटिंग भी बताएंगे, उसका कीपर का ग्राफ भी रीड करना बताएंगे, और बाय बॉक्स रोटेशन किस तरह से देखी जाती है, वो सारी चीज़ें हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस कर रहे होंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच।